बात करते हैं यूपी के कानपुर की, जहां एक दिल दहलाने वाली घटना में चंदारी स्टेशन के पास घटी। ट्रेन में छेड़खानी से परेशान माँ बेटी चलती ट्रेन से कूद गई। घटना कानपुर के चंदारी स्टेशन के पास की है। दोनों के सिर पर चोटें आई हैं, उन्हें हैलट अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोलकाता की रहने वाली महिला अपनी बेटी के साथ दिल्ली हावड़ा स्पेशल ट्रेन से दिल्ली आ रही थी। दोनों हावड़ा से दिल्ली आ रही थी। मैं गया हावड़ा से दिल्ली आ रहा था। हावड़ा से दिल्ली? हाँ। तो ये लड़के कहाँ चढ़े थे, कितने लड़के? ये हावड़ा से था, तीन लड़का थी सिर्फ। क्या क्या छेड़खानी कर रहा था? हाँ, छेड़खानी कर रहा था। मैंने पुलिस वाले को बताया तो पुलिस वाले ने, मेरी बात नहीं, पुलिस वाले ने पैसा पूछा खा के उस लड़का को छोड़ दिया। उस लड़का ने मेरे साथ ऐसे ही करा, उसने गुस्सा में वो और ज़्यादा लड़का ही कर दिया। मैंने ये कानपुर की तरफ उधर आगे, हाँ, जंगल जन्नत की उधर ही कूदा था। वहाँ एक लेडीज को, वो लेडीज भी पुलिस वाले का साथ मिला हुआ। अच्छा। वो पुलिस वाले भी दूसरा पुलिस वाले का साथ मिला हुआ। जानकारी के मुताबिक 40 वर्षीय माँ अपनी 15 वर्षीय बेटी के साथ हावड़ा जोधपुर एक्सप्रेस ट्रेन से कोलकाता से दिल्ली आ रही थी। ट्रेन जैसे ही हावड़ा से चली, करीब 15 बदमाशों ने उनके साथ अश्लील हरकत करनी शुरू कर दी। उन पर लगातार फब्तियां कसी जा रही थी। इससे परेशान होकर पीड़ित की माँ ने ट्रेन में मौजूद एक सिपाही को इसकी सूचना दी। सिपाही वहां आया और दो तीन बदमाशों को पकड़कर अपने साथ ले गया, लेकिन कुछ देर बाद वे बदमाश वापस बोगी में आ गए। शायद उन्होंने सिपाही को घूस दे रखा था। इसके बाद बदमाश और ज्यादा उत्तेजित हो गए, माँ बेटी के साथ छेड़छाड़ करने लगे।